अम्बेडकर जो पहली बार इतनी पाक धरती पर हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई बंजू सामी पधारे हैं, उनका दाढ़ी माओ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई तंजीत तालो यहाँ पहुंचने पर ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताएं बहनों व पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों युवा साथियों प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज आपको मालूम है इलेक्शन का टाइम है और देश बदलने का टाइम आ गया है। वो टाइम आ गया है जो 70 साल तक हमें लूटपाट की सरकारें मिलती रही। अब हमें इस बार सरकार को चोट से नहीं वोट से मारना है। आम आदमी पार्टी का निशान है झाड़ू। आने वाले 5 तारीख को मेरी माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों 5 तारीख को एक एक वोट झाड़ू के निशान पर लगाकर हमारे प्रिय किसान भाई किसान परिवार के पढ़े लिखे गरीब परिवार के नेता है, नेता में आपका बेटा समझो भाई मानो भाई दलजीत तालू, इसको भारी बहुमत से विजय बनाना है। और ये हरियाणा की सरकार दिल्ली में ले जानी है। ऑलरेडी हमारी 2 सरकारें पंजाब में और दिल्ली में पूरे बहुमत से केजरीवाल जी की, और वहाँ इतना काम चल रहा है क्योंकि हमें ये सरकारें ऐसी है लूटपाट के अपने नेताओं का बड़े बड़े जो इसके वर्कर है उनका घर भरने का काम करती है, हमारे मजदूरों का गरीब किसानों का इनका कोई भला नहीं कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम है हमारे जितने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको अच्छी शिक्षा मिले। तो आपसे निवेदन है कि आने वाले 5 तारीख को झाड़ू के निशान पे जरूर वोट करें। अब 2 शब्द हमारे उमेर भाई बोलेंगे। सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। आपने देख लिया होगा 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार में अपने जवानों का क्या हल कर दिया, अग्निवीर छोप दिया। अग्निवीर जो नौजवान साथी है मिलिट्री में भर्ती होया करते हैं उनका 4 साल पर अग्निवीर पर लेके खड़ा कर दिया। बीजेपी ने बुरा हल कर दिया। माताओं बहनों के खाते खुलवाए थे कि नहीं बीजेपी वाले ने, खुलवाए थे 15-15 लाख रुपया के खाते में पीछे आवेंगे इन भी भेज दो इनका करना है। कहते जाओ भाई थार तक छिक लिया हमें। कांग्रेस वाले का देख लो, कांग्रेस वाले ने अपने तो यो उड्डा साहब ने तो अपनी बहनी तो पाकिस्तान बना दी, अपना जड़ा रोड होया उड़न कर दिया अरना 4 लाइन से। तो मेरी माता बहने से प्रार्थना है एक बार इस झाड़ू वाले तो वोट दे के देख लो, झाड़ू वाला अपने बच्चों का भविष्य बना देगा। बाकी समय का अभाव ज्यादा टाइम ना लेते हुए सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आपके बीच में आपका बेटा आ रहा भाई आ रहा इसके, मैं तो हम देसी आदमी श्रुति देख ली, कांग्रेस देख ली, सारे देख ली, इसका जाके कान पकड़ लियो। इस आदमी किसान गरीब घर का सारे बीच में रहोगा, यो दिल्ली जाके कौन बैठे, चंडीगढ़ कौन बैठे, सची तयो कोई काम हो जाए था हमने टाबरा का, स्कूल का, खेत का, पानी का, कोई किसी प्रकार का। अपने ब्याणी चल जियो, तुसाम चल जियो, दोनों जगह बैठे पाओगे भाई। एक दिन तुसाम रहे, एक दिन ब्याणी रहे, उरे छोरे भी रहे हैं, इनके टब्बर रहे हैं। एक बार विश्वास करो अपना, आई 20-25 साल हो गए वोट दे दिया, कदे अन्नक पे दे दो, कदे हाथ पे दे दो, कदे कमल पे दे दो। ये सरकार बनी है लुटन की, प्योर लुटन की, अपने मवा बन रही है। एक बार एक भाई का ब्याह था, ठीक से गाँव कन्यादान इकट्ठा कर लिया, गाम राम का और सहयोग था, बढ़िया ब्याह करने की तैयारी कर ली, बरात आएगी। इतने ये पार्टी वाले जितनी भी सरकारी स्थल गुंडे इकट्ठे हो रहे थे, बोले आज तो धन पा होगा भाई, छोरी का ब्याह है, बोले चलो अपन और के चाहिए, चले गए गांधी एकर की ताला बंदर भीतर का जो सौदा था सारा जोड़ा मंगाल और गाड़ी में बैठ गए।
कोई थे नेता बड़े बड़े बोले आ रही हो तो तुरंत काम करया बोले की करया बोले सारा ही गल जाए बोले थम चालो मैं आऊ जाकी बोले किसका ब्याह बोले छोरी का बोले ले बेटी 100 रुपये तेरे बोले ये क्या के बोले ले कोई न हमारे नाम का कन्यादान मान लिए चले गए लूट की। दूसरे दिन FIR होगी पुलिस आ गई अरे बोले कोई तो कि मैं सच्ची बताओ कोई कौन बोल रहा है अरे बोले चोरी हुई सामने बेरा गामने बेरा कि मैं कोई तो आगा करो बोले जी कोई कौन करे चोरी के माँ बाप परिवार वाले से बोले जी चोरी का तो बेरा कोनी आदमी इतने अच्छे थे जानते जानते कन्यादान देखी गए 100 रुपये नू कौन बेरा व्यक्ति जो सारा सारा लूट ले गए ये सरकारी सी अपने 500 रुपया का सिलेंडर ना देखो 500 का सिलेंडर करेंगे कराया को नहीं बे कर दे तो भी उनका को नहीं अपना है अपना माचिस लिया जी एक माचिस टाबर कुरकरे लिया उस पर भी 25 पीस टैक्स ले या सरकार 25 पीस का यानी वो 25 पीस कर की हर सरकार पर इतना धन हो रहा है वो धन कित जा है केजरीवाल सरकार है वह तो गरीबा में बिजली फ्री कर दो भाई धन MLA मंत्री या ना दे धन जो धन तान दे दो गरीबा ने गरीबान को कर देवा मोदी की डालू तो सह कौन बोला 15 लाख खत्म आऊंगे ना खत्म किसी का कौन जाओ बोला शिक्षा फ्री करो बढ़िया बिजली फ्री कर दो जो 30 आदमी वो फ्री ना लो भाई फार्म भर के दे दो हमने कौन चाहिए फिर लेकिन आज गरीब आदमी ने टाबर पढ़ाई फ्री हो जा शिक्षा फ्री हो जा बस में आना जाना माँ बेटियां का बहना का फ्री हो जा और क्या चाहिए 1 रुपये तो लेके 10 लाख 20 लाख मेडिकल फ्री हो जाए कोई गरीब भाई बीमार हो जाए आज अस्पताल में चल जाओ 50,000 का के लागना लेकिन यह सरकार नौका है कहुआ को नहीं दिल्ली पंजाब में कर रखा है जिसके 50 लाख लग गए वो भी फ्री 1 रुपया लग गए वो भी फ्री इसलिए वो देखो फ्री का सौदा ना देखो भैया 500 का सिलेंडर कर दिया ना इस सरकार ने देखो कितनी सुविधाएं हैं अगर कोई भाई 12वीं करके ऊपर पढ़ना चाहे डॉक्टरी में नंबर पड़ गया घर का भी उत्तो को नहीं आम आदमी पार्टी सी सरकार है कितने नंबर पड़ गया तो उसने 20-30-50 लाख का लोन दे देगी अगर वो नौकरी लग गया तो लोन दे दो ना उसका माफ तो यह सरकार तो इसी है वह कट्ठे करोड़ अमतापान की में थोड़ा बहुत फ्री का 4-5 साल तो खाओगे और आखिरी के 2-4 गिना में और वो फ्री का कि में कर दिया है आप बावड़े हो जहाँ हाँ और वो काम ना करियो ईब का आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने अपना कोई यारा प्यारा पंजाब में दिल्ली में रहा हो तो उनका पूछो कितने बढ़िया काम हो रहे हैं कितने बढ़िया अच्छे स्कूल है अस्पताल है वहाँ रिश्वत नाम की चीज नहीं है कोई भी वहाँ टोपी पहन के चले जाओ किसी ऑफिस में कोई नू कौन का तेरा काम कौन बने क्योंकि डरे हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल का अपने के अपने तो नया भ्रष्टाचार है आज कितनी भर्ती होगी कम से कम 40 भर्तियाँ रद्द होगी एक बच्चे का भाई नॉर्मली नू मान लो 50 से लेकर 1,000 के लागे फार्मा के अगर एक बच्चा 5-5 लाख 10-10 लाख फार्म भरे जा कितना पैसा सरकार में जा वो पैसा भी ना देखो फिर बस में जाओ है कोई गाड़ी करके जाओ है वो पिज्जा पैसा सारा इन दौरे जा है इसलिए आपसे बार बार विनती है मेरी माताओं बहनों घर से एक वोट भी दोगे ना भाई दल जीतने तो भी तूफान केस इसको आने वाला नहीं है कोई भी घर से एक वोट भी निकलेगा तो आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती आपने कई साल हो गए झाड़ू का ऊपर बटन दबाना है और डाणी माऊ गांव में रिकॉर्ड बनाना भी इस गांव में दलजीत भाई तालू हजारों वोट लेके निकला है और ये परिवार जैसे बेबे खड़ी होगी भाई हो गए तो आपस में मुंह नटवा दे दो झोंके लड़ाई थी तीसरा आपके निकट गया करे तो इनकी तो खागर बिल्ली वाली लड़ाई हो रही दोनों बाढ़ भाइया की इसलिए भाई दलजीत तालू ने सपोर्ट करो और वोट भी करो तो मेरी माताओं बहनों आपसे बार बार आपने हमारे भी बहुत खुशी हुई कई गाँव में जावा कोनी भाई कम माहौल था लेकिन आज आपकी गांव की खुशी देख के इतने पब्लिक देख के बड़े चाचे ताऊ भाई युवा साथी माताएं बहने बैठी हैं बहुत खुश हुए हैं तो आपसे बार बार अनुरोध है फिर भी एक झाड़ू का बटन याद रखें क्योंकि सफाई पूरा देश की झाड़ू पर है बाकी किसी का बस की बात नहीं है भाई ठीक है झाड़ू का ऊपर बटन दबाना है
और ज्यादा से ज्यादा बोल विजय बढ़ाना। तो एक बार मेरे कहने से नारा लगा दो, बोलो संत रविदास महाराज की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, दलजीत भाई जिंदाबाद, दलजीत भाई जिंदाबाद, बोलो गाम डाणी माऊ की जिंदाबाद, बोलो गाम डाणी माऊ की जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भैया देखिए भाई, आड़न देख ले फोटो खिंचवा ले, ठीक है भाई देखियो आंटी जी एक बार आड़न देखियो। अरे माइक करा है ठीक, देख रुको रुको, हाँ ठीक बारंबार मेरी माताओं बहनों का बारंबार तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो हमारे देखिए अंकल जी इतना मान सम्मान दिया, इस मान सम्मान को दूना करके लौटाएंगे मेरे भाई साहब आपके गांव में। ठीक 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 इतना प्यार और सम्मान देने के लिए डाणी माऊ माताओं बहनों युवा साथियों तहे दिल से बारंबार भाई पानी पिला के रहे पानी पूरी कर और इससे ज्यादा मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ, माताओं का धन्यवाद करता हूँ बारंबार हाथ जोड़ के। और अभी दलजीत भाई दो शब्द बोले हमारी माताओं बहनों और गांव के लिए और अपने विचार प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों माता शक्ति को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार। जैसे कि बाबू भाई बता रहा था कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये 10 साल पहले बनी थी और इस तरह का काम कर दिया इस आम आदमी पार्टी ने, शिक्षा के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर सरकारी स्कूल इतने बेहतर बना दिए कि प्राइवेट में तो नाम कटा कटा के सरकारी में नाम लिखाना खतरा लगे, वो काम करके दिल्ली में दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। महिलाओं का किराया फ्री कराया है, कोई भी हमारी बेटी 18 साल की होगी वो कॉलेज तो फ्री है और किराया भी फ्री है, इसके अलावा पेन कॉपी खरीदने के लिए 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा हमारी बेटी को देने शुरू कर दिए। ये काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने किया है और आज से 2 साल पहले पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वहां जाके अगर कोई रिश्तेदार रहता हो दिल्ली में रहता हो तो 40,000 नौकरी 2 साल में पक्की नौकरी लगाई है। और यहाँ बीजेपी ने हमारे यहाँ क्या कर रखा है, जाति धर्म के ऊपर राजनीति करती है, काम कोई करना नहीं, विकास कुछ करना नहीं। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो गरीब की जो मूलभूत सुविधा है जैसे पानी है वो फ्री है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, महिलाओं का किराया फ्री है, अगर भगवान ना करे कोई बीमार हो 1 रुपया लगे 1 करोड़ रुपये उसका इलाज फ्री है,
तो आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं आई, आम आदमी पार्टी इसकी राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए आई है। अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। भाई हुड्डा साहब तो ना करना था, पहले करा, 10 साल रह गया और वह बीजेपी का रह गया। ये तो दोनों हाथों से लूटने लग रहे हैं, एक बार बीजेपी आ जाए और एक बार कांग्रेस आ जाए। तो आप लोग इस जो वंशवाद चल रहा है कि एक ही परिवार लगातार यह राज कर रहा है, इससे छुटकारा पाने का बहुत बड़ी आपके लिए मौका है। मैं आपका बेटा, आपका भाई, गरीब किसान का बेटा हूं और आपके बीच रहने वाला हूं। और आम आदमी पार्टी को अगर आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी मिलेगी तो अगर बच्चा पढ़ेगा तो बड़ा कामयाब होगा। और ये तो बीजेपी वाले तो स्कूल बंद कर रहे हैं, हरियाणा में किसी भी जिले में उठा के देखोगे तो 5 से 10 स्कूल बंद कर रखे हैं। और आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल इतने बेहतर बना रही है, प्राइवेट में नाम कटाई थी उसमें कराऊं, उसमें स्विमिंग पूल तक बना दिए। बहन जी ये सुनन की बात है, आप लोगों के लिए किराया भी फ्री कर रखा है, 1000 की भी कर रखी है पेंशन, और काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं। हमारे बच्चों के भविष्य सुधर जाएगा आम आदमी पार्टी ने बनाओगे तो। एक मौका दे दो केजरीवाल ने दोबारा अगली योजना इस जगह मांगनावांगे ना, काम करके दिखावांगे तो वोट मांगा नहीं, वोट कुछ मांगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में हमने करके दिखाए। और आप लोगों को बहकाने वाले भी आएंगे, आप लोगों को बहकाने वाले आएंगे, आप लोगों की किसी भी एक जाति का एक सफेद कपड़े पहन के आएगा, वो आपको कास्ट बताने के लिए आएगा कि मैं आपकी जाति का हूँ और इसके वोट दे दो, उसके बहकाव बताना। इस बार झाड़ू से गंद की सफाई कर दो, झाड़ू तो सफाई होती है ना भाई, सुबह सुबह उठ के हमारी माता बहन घर से सफाई करते हैं, वो गंद की सफाई करें ना, इसी तरह बीजेपी की और कांग्रेस की झाड़ू तक सफाई कर दो। अगर ये सफाई का काम कर दोगे तो एक कई परिवारवाद तक पंडा छूट जाएगा। एक हमने गरीब तक गरीब परिवार ने अपने बच्चे पालन का जो दिक्कत है, भाई मान ले कोई मजदूर है 500 रुपये दिहाड़ी कर रहा है और उसका 2 बच्चे हैं, 6000 रुपये तो उसकी सरकारी फीस चली गई, गलती तक वो बीमार हो गया तोड़ा पैसे लाग जाए, बचत तो आनी नहीं है 1 रुपया भी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, 1 रुपया नहीं लगा ना तो पढ़ाई का लग है, ना इलाज का लग है, ना किराए का लग है, कोई पैसा लगने का काम नहीं, सब सुविधा फ्री, रो पैसा आपका ही है, सरकार कहीं से नहीं लेके आती। अब ये कह देने भाई हुड्डा साहब का 5 साल सिलेंडर कर दूंगा, 5 साल भाई तेरा घर तक थोड़ा कर देगा, हमारा टैक्स का पैसा है और कर देगा, जबकि तसली 300 रुपया में बीजेपी भी क्या कर दी, ये 1200 रुपया बटाएंगे दिया, तो इनका बखाव में नहीं आना है। आम आदमी पार्टी का निशान पाई का इतना बटन दबा दो 5 तारीख ने, झाड़ू का निशान पाई के उस पर निशान पड़ दे, देखने आपने अगर सबसे ज्यादा वोट आने पड़े हैं तो एक मौका दे दो बहन जी, माताओ आपका भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हम तो दोबारा फिर अपील कर रहा, बहन तक छुटकारा पा लो और आम आदमी ने बनाए दो, काम करने खतरा है आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे विकास में। इस सरकार ने महंगाई दी है और बेरोजगारी दी और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। एक बार फिर आपको सोच समझने का मौका है, झाड़ू पर बटन दबाना, एक बार जोर से नारा लगाना है हाथ ऊंचे करके, ताकि